गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जिवें कि तुसी जानते हो आप अपने चैनल ते साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे लई, वो पीटेट का एग्जाम होवे, सीटेट का एग्जाम होवे, या तुहाडा एनटीटी का एग्जाम होवे, ईवन मास्टर कैडर दे लई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो। हाँ जी, अज आप केमिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट की है उसनों कॉन्टीन्यू करांगे, जो तुहाडे मास्टर कैडर एग्जाम दे लई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं, अज का जो अपना चैप्टर है वो होएगा ऑरगैनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन कंपाउंड, जिसका पार्ट थर्ड होएगा। आई होप तुसी फर्स्ट टू पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिस दे विच आपां काफ़ी सारा जो मटीरियल सी या सिलेबस सी वो कवर कर लिया। क्लियर। अज आपां गल करांगे फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। हैलोएल्केन्स दी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने की करांगे डिस्कस करांगे एक एक करके। स्टार्ट कर दें आप, सब तो पहला अगर मैं गल करा फिजिकल स्टेट, फर्स्ट पॉइंट है अपना फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कलर, जस्ट अ सेकेंड, कलर एंड ऑर्डर, इन्हें सबनों की डिस्कस करांगे। सब तो पहला अगर मैं गल करा, देखो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जिन्हें भी अपने कोल अल्काइल हैलाइड्स हैं, मीनस अल्काइल ग्रुप नाल जो हैलोजन लग्या हुआ उसनों अल्काइल हैलाइड्स कह दें। जिन्हें भी अल्काइल हैलाइड्स हैं सारे की अपने कोल कलरलैस ने, कि ने अपने कोल कलरलैस हैं, कोई भी कलर नहीं होंदा इन्हों का, प्योर होंदे हैं। बट अगर आप हम देखो कैमिस्ट्री करिए तो अपने कोल कोई भी एवें तो हो नहीं सकता, कोई भी अपने कोल डिफरेंस ना आवे, मतलब अगर आप गल करिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, तो इतने की है जो ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयोडाइड है, ब्रोमाइड आयोडाइड है, एक ही होंगे अपने कोल कलरफुल होंगे, एक ही है कलर करता जो कि अपना एक्सपोज हो जाए लाइट नाल, इस उपर लाइट पैंती है तो एक ही शो करता, कलर शो करता। ठीक है जी, क्लीयर होया। तो मेनली यह की होंगे कलरलैस होंगे, ये ध्यान दे विच रखना है। नैक्सट अगर आप गल करिए इन्हां दी, देखो जिन्हें भी होंगे ये मोस्टली अगर आप गल करिए जिवें मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, यह की है सारे मेनली अगर आप गल करिए गैसिज होंगे एट रूम टैंपरेचर, रूम ते की होंगे गैसिज फॉर्म दे विच पाए जाते हैं। बट जो हायर क्लोरो है, हायर क्लोरो है, ब्रोमो है, या फ्लोरो है, मतलब जो हायर कंपाउंड्स होंगे, हायर अगर आप गल करिए कंपाउंड्स होंगे जिन्हां दे विच हैलोजन प्रेजेंट होंगे, ये सारे की हैं अपने कोल या तो लिक्विड फॉर्म दे विच होंगे है, या अगर आप गल करिए सोलिड फॉर्म दे विच होंगे, लिक्विड होंगे है, या आप गल करिए किस फॉर्म दे विच होंगे है, सोलिड फॉर्म दे विच होंगे। ठीक है जी, क्लीयर होया। नैक्सट आप गल करेंगे सैकेंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट। सेकेंड अपने को फिजिकल प्रॉपर्टी की है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट। इस दे विच देखो मेल्टिंग पॉइंट ते बॉयलिंग पॉइंट की है, जो अपने कोल की होंगे है हैलो एल्केन्स होंगे है, हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केन्स, इन्हों की अगर आप गल करिए इन्हों दे विच की है ज़्यादा पोलैरिटी होने करके, ज़्यादा मास होने करके, हैलो एल्केन्स का हायर की होंगे मोलीक्यूलर मास होंगे, हायर मोलीक्यूलर मास होंगे, हायर मोलीक्यूलर मास होने करके एज कंपेरिजन टू जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, इन्हों दे विच की होंगी इंटरमोलीक्यूलर अट्रैक्शन भी होंगी है, होर की प्रेजेंट होंगी इंटरमोलीक्यूलर, इंटरमोलीक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी है। इंटरमोलीक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होंगी है, जिस करके जो बॉयलिंग पॉइंट है, जो बॉयलिंग पॉइंट है क्लोराइड्स का, बॉयलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड आयोडाइड,
इन्ना शब्द जो बॉयलिंग पॉइंट है वो की होएगा अपने को हायर होगा हायर देन जो अपने को पेरेंट हाइड्रोकार्बन है क्लियर। तब बॉइलिंग पॉइंट की हो गया ज़्यादा हो गया क्योंकि मोलिकुलर मास भी ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है जिदे करके इन्ना दा मास की हो गया सॉरी बॉइलिंग पॉइंट की हो गया हायर हो गया क्लियर। आई होप तुहानू ये चीज़ की होगी क्लीयर हो चुकी है। नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट प्रॉपर्टी की थर्ड की अपने को डेंसिटी थर्ड वन की है अपने को डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब की है जो भी अल्काइल फ्लोराइड है अल्काइल फ्लोराइड है या फिर अगर आप गल करिए क्लोराइड है अल्काइल फ्लोराइड अल्काइल क्लोराइड ये जनरली की होंगे ने अपने को लाइटर होंगे वाटर नालों मतलब पानी नालों की होंगे है हल्के होंगे लाइटर दैन वाटर क्लियर। पानी नालों हल्के होने की वजह नाल देखो जो इन्हों की अगर आप गल करिए जो अपने को अल्काइल ब्रोमाइड है अल्काइल ब्रोमाइड है ये भी नाल ही आप डिस्कस कर लें अल्काइल ब्रोमाइड एंड अगर आप गल करिए अल्काइल आयोडाइड ये हैवी होंगे है वाटर नालों अल्काइल आयोडाइड आई लिखता ये दोनों की होंगे अपने को हैवी होंगे है वाटर दे नाल ता इन्ना दे जो ऑर्डर है डेंसिटी का ऑर्डर वो किस तरह नाल होगा पहला आयोडाइड दैन अल्काइल ब्रोमाइड दैन अल्काइल क्लोराइड इस तरह नाल की है डेंसिटी का ऑर्डर चलूगा ठीक है जी। अगर आप एग्जाम्पल लैके समझिए जिमें हुण आपां ने की लै लिया अपने को है C3H7 ब्रोमाइड क्लियर। एक अपने ग्रुप ले लिया C3H7 आयोडाइड क्लियर। तो हुण अगर इन्हां दी डेंसिटी की गल की जाए तो आपां ने कीते ने अल्काइल हलाइड्स लिते हैं मिथाइल आयोडाइड ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया मिथाइल की ले लिया अपने क्लोराइड ले लिया तो सब तो ज़्यादा डेंसिटी होएगी आयोडाइड दी दैन ब्रोमाइड दी दैन की हो जूगी क्लोराइड दी हो जूगी क्लियर। साइज ऑफ देखो अल्काइल ब्रोमाइड भी इनक्रीज हो रहा है साइज ऑफ जो अल्काइल ग्रुप है वो भी की हो रहा है इनक्रीज हो रहा है साइज भी की हो रहा है अपने को इनक्रीज हो रहा है साइज इनक्रीज हो रहा है तो अपने को अगर आप डेंसिटी की गल करिए होंगे अपने को मास पर यूनिट वॉल्यूम होंगे ना तो अगर अल्काइल हलाइड्स की जो डेंसिटी है वो भी की हो जूगी अपने को इनक्रीज हो जूगी क्लीयर है। आई होप तुहानू ये चीज़ की होगी क्लीयर होगी होगी तो सब तो ज़्यादा किस दी होगी अपने को आयोडीन की होगी आयोडाइड की होगी क्लियर। डेंसिटी एक होर अगर आप गल करिए डेंसिटी की है इनक्रीज होगी जिमें जिमें अपने को नंबर ऑफ हैलोजन की होंगे इनक्रीज होंगे नंबर ऑफ हैलोजन की होंगे इनक्रीज होंगे उस तरह नाल अपनी डेंसिटी भी की होएगी इनक्रीज होएगी। एग्जाम्पल ले लें जिमें अगर आप गल करिए CH3 मिथाइल आयोडाइड है CH3CH2I इथाइल आयोडाइड या आप गल करिए आपने की ले लिया इस दे विच जस्ट सैकेंड नहीं सॉरी आप गल कर रहे सी अगर आप हैलोजन इनक्रीज कर दिए तो एग्जाम्पल ले लें जिमें CH3Cl2CHCl3 CCl4 इस दे विच की आपने क्लोरीन नू की करता अमाउंट की आप ज़्यादा करती क्लोरीन की है हैलोजन की है अपने इनक्रीज करते हैलोजन इनक्रीज होने का मतलब डेंसिटी भी की होएगी इनक्रीज सब तो ज़्यादा डेंसिटी किसकी हो जाएगी अपने को CCl4 दी दैन CHCl3 दी दैन अपने को होगी CH3Cl दी क्लियर या आप कह सकते हैं CH2 आई गए थे CH2Cl2 दी क्लियर। तो यह इस तरह नाल अपने को बन जूगा लिंक हो जूगा। नैक्सट आप गल करांगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की फोर्थ प्रॉपर्टी की सोल्यूबिलिटी की है। देखो जो हैलो एल्केन्स है ये की होंगे पोलर मोलीक्यूल्स होंगे हैलो एल्केन्स है ये की होंगे अपने को पोलर मोलीक्यूल्स होंगे मतलब कोई ना कोई इन्हों के उपर की प्रेजेंट होंगे चार्ज प्रेजेंट होंगे
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਲੂਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H2O ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਬੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਫਲੋਰਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੈਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬਨ ਆਇਓਡਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਇਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਲਕਾਈਲ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਦੈਨ ਅਲਕਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅਲਕਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ ਦੈਨ ਅਲਕਾਈਲ ਆਇਓਡਾਈਡ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲੂਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਆਫ ਹੈਲੋਜਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲੋਜਨ ਬਾਏ ਹਾਈਡਰੋ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਮੈਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ KX ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ROH ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ KX ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਕੋਹਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ROH ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਐਲੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ NaX ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਈਥਰ ROR- ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ NaX ਸੋਡੀਅਮ ਹਲਾਈਡ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਈਡੋਮੀਥੇਨ CH3I
इस दी मैंने रिएक्शन करवा दी सोडियम मिथॉक्साइड दे नाल एन ए ओ सी एच थ्री। सोडियम आयोडाइड की हो जूगा अलग हो जूगा की बन जूगा अपने को सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। केड़ा ग्रुप है अपने को डाई मिथाइल ईथर या मिथोक्सी मिथेन भी बोल सकते हो नाल बाहर के निकल गया सोडियम आयोडाइड। क्लियर। इस रिएक्शन नु की बोलते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्लियर। तो इसलिए ये करवानी इंपॉर्टेंट सी। कई बार नेमिंग रिएक्शन एग्जाम्स के आ जाती ने सो मैं लगे वाली जरूर करवानी चाहिए है। नैक्सट अगर आप गल करिए नैक्सट देखो सब्सीट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप ठीक है। तो इस दे विच की है आप सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लवेंगे मेनली आप हैलो एलकेन्स तो ईस्टर फॉर्म करांगे जो उन्होंने आप इथोनिक सल्यूशन नाल की करांगे हीट कर देंगे ठीक है जी। तो देखते हैं किवें होएगा। सब तो पहले आपने की लिया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड की होंगे आर सी डबल बोंड ओ ए जी आर डैश लै लो ठीक है जी। इस दी जो मैं रिएक्शन करवाती हैलो एलकेन दे नाल ता इत्थे की होएगा अपने कोल जो अपने कोल की है ए जी सिल्वर हलाइड है ये बाहर निकल जाएगा तो अपने कोल की फॉर्म हो जाएगा ईस्टर फॉर्म हो जाएगा आर डैश सी डबल बोंड ओ आर डैश सी डबल बोंड ओ नाल की आ जाएगा ओ आर प्लस ए जी एक्स सिल्वर हलाइड। क्लियर। तो इत्थे जो अपने कोल एक ग्रुप है एक इसका ईस्टर ग्रुप है ईस्टर। क्लीयर होया ठीक है जी। इस तरह नाल की करवा सकते हो तो कुछ सब्सीट्यूशनज होनगियाँ ये सब्सीट्यूशनज रिएक्शनज ने हैलोजन किस तरह नाल करवा सकते हैं आप ठीक है ऐड। नैक्सट अगर आप गल करिए नैक्सट रिएक्शन की देखो नैक्सट की अपने को सब्सीट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप बाय अमाइनो ग्रुप आप करवावे सब्सीट्यूशन करवावे। देखो ये लास्ट रिएक्शन है इस दे नाल थोड़ा चैप्टर कंप्लीट हो जूगा ठीक है जी। तो आपने की किया हैलो एलकेन लगावे उसनों हीट करवावे अमोनिया दे नाल एग्जाम्पल नाल समझते हैं डायरैक्टली मैं की लै लिया ब्रोमो इथेन सी एच थ्री सी एच टू बी आर इस दी की करवाती मैं रिएक्शन करवाती अमोनिया दे नाल। हुण मैं अगर आप गल करिए सॉरी एन एच थ्री इसनों मैं किवें लिख सकती हाँ एच एन एच टू लिख सकती हाँ। हुण इस दे विचों की होगा जो अपना हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वह की हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो अपने को जो तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो गया तो की बन गया इथान अमाइन बन गया इथानन अमाइन सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड की हो गया अलग हो गया ठीक है जी। तो इस दे विच की है हैलो एलकेन्स नू जो तो इथोनिक सल्यूशन दे विच हीट किया जाता है किदे नाल अमोनिया दे नाल ता अपने कोल की है एक मिक्सचर तैयार हो जाता है जिदे विच अमाइन तैयार हो जाती है ये अपने कोल केड़ा अमाइन सी प्राइमरी अमाइन सी। क्लीयर आई होप समझ आ चुके हैं। तो इस दे नाल ही जो तुहाडा चैप्टर है हैलो एलकेन वाला वो की हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अगर तुहाडा कोई भी डाउट होंदा तो तुसी प्लीज़ ईजली कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पूछ लिया करो। वीडियो नो लाइक शेयर करना ना भुलिया करो तो न्यू चैनल पर तो चैनल को सबसक्राइब भी कर लो। इस तो बाद आपां क्वेश्चनस करांगे इन्हां दे ते टैलीग्राम ग्रुप नो भी ज्वाइन कर लो अगर हजे तक नहीं किया। थैंक यू सो मच।